नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में सामने आई जांच रिपोर्ट, इन वजहों से गई 16 लोगों की आंखें। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है। मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले के जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम का गठन किया था। 5 सदस्यीय टीम ने सोमवार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए गए कमरे को संक्रमित माना गया है। जाँच के दौरान ओटी में स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया मिले हैं। वहीं जांच रिपोर्ट में स्टरलाइजेशन में गड़बड़ी की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में इन्हीं कारणों से लोगों की आंखों में इन्फेक्शन होने की बात कही गई है, जिसके कारण 16 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को 65 लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। इसके बाद से ही आंखों में तकलीफ होने लगी। समस्या इतनी बढ़ गई कि लोगों के आंखों को निकालने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। अब तक करीब 17 लोगों की आंखों को निकाला जा चुका है। चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण 17 लोगों को जिंदगी में अंधेरा छा गया है। अन्य मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। बिहार में अभी बंद नहीं होंगे स्कूल, 100% उपस्थिति के साथ चलेंगी कक्षाएं, नई गाइडलाइन जारी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। संक्रमण के फैलने के खतरे को लेकर पूरे देश को अलर्ट कर दिया गया है। इसी दौरान सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि राज्य के स्कूल फिलहाल बंद नहीं होंगे, लेकिन सख्ती काफी बढ़ा दी गई है। बता दें कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि विशेष परिस्थितियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा उपयोगी होती है, इस दिशा में तैयारियां रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्कूल में और उसके बाहर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी तरह के उपाय, मसलन मास्क, सैनिटाइजर, आपस में बैठने की निर्धारित दूरी से संबंधित सभी नियमों का पालन कराया जा रहा है। लोगों को खुद भी इस पर ध्यान देना होगा। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अधिक सतर्कता अपनाने पर विचार कर रहा है। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए एक बार फिर मास्क और शारीरिक दूरी के प्रावधानों के साथ अन्य गाइडलाइन पर बात चल रही है, जहां डीएम और सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन समूह की 13 दिसंबर को संभावित बैठक में इसको लेकर गाइडलाइन पर निर्णय लिया जा सकता है। बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी, खाते में पैसे डालेगी नीतीश सरकार, जाने किस योजना का मिलने वाला है लाभ। राज्य सरकार की तरफ से बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियों को जल्द स्कूल ड्रेस के लिए राज्य सरकार की ओर से पैसे दिए जाएंगे। बता दें पोशाक की यह राशि पिछले साल यानी कि 2020-21 शैक्षिक सत्र की पहली से आठवीं कक्षा तक की छात्रों के लिए है, जिन्हें मुख्यमंत्री पोशाक योजना और बालिका पोशाक योजना की राशि 10 दिनों के अंदर उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से शिक्षा विभाग देगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर राष्ट्रीय सूचना केंद्र के वरीय तकनीकी निदेशक को डीबीटी के माध्यम से बेटियों के खाते में राशि 10 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर सूचना देने को कहा है। शिक्षा विभाग बेटियों को पोशाक के एवज में 151,07,02,500 रुपये खर्च करेगा। IGIMS में जल्द होगी जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट की व्यवस्था, 30 लाख रुपये किए गए जारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या देश में कुल 33 हो गई है। इसे लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है। IGIMS में जीनोम सैंपल की जांच की व्यवस्था सरकार ने की है। इसको लेकर 30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में जल्द ही अब IGIMS में ओमिक्रॉन की जांच शुरू की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच अब पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में शुरू होगी। पहले फंड के अभाव में यह जांच संभव नहीं था। बजट के अभाव के कारण जीनोम सैंपल की जांच पर असर पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने सरकार के समक्ष अपनी बातें रखी थी और सरकार से फंड की मांग की थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से जीनोम सैंपल की जांच के लिए 30 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस बात की पुष्टि IGIMS के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने की है।
ठंड के साथ बढ़ता प्रदूषण हृदय के लिए ज्यादा खतरनाक। हृदय रोगी के साथ सामान्य आदमी भी बरते सतर्कता। पारस अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर निशांत त्रिपाठी एवं कंसल्टेंट डॉक्टर अशोक कुमार के मुताबिक ठंड में हृदयघात एवं मस्तिष्क घात की समस्या बढ़ जाती है। ठंड और बढ़ा प्रदूषण इसे और खतरनाक बना देता है। ऐसे में हृदय रोगी के साथ सामान्य आदमी को भी सतर्क और सावधान रहना चाहिए, ठंड और प्रदूषण से बचकर रहें। शुरुआती में ठंड से लोग ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं, इसी में हृदयघात या मस्तिष्क घात होता है, इसीलिए सुबह शाम ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोनों हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार ठंड में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के स्तर शरीर में बढ़ जाता है। दरअसल ठंड में धमनियों में सिकुड़न होता है, इससे रक्तचाप बढ़ जाता है। सिकुड़न की वजह से ब्लॉकेज भी बढ़ता है, इसीलिए मस्तिष्क घात के साथ हृदयघात की आशंकता बढ़ जाती है। मौसम बदलने से सांस लेने में तकलीफ होती है, इससे हृदय की धड़कन और रक्तचाप बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप हृदय और मस्तिष्क की समस्या होती है। IIT पटना ने प्लेसमेंट में बनाया नया रिकॉर्ड, 9 स्टूडेंट्स को मिला 61 लाख रुपए का पैकेज। IIT पटना ने प्लेसमेंट में नया रिकॉर्ड बना लिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में इस बार पहले फेज के प्लेसमेंट सीजन में ग्रेजुएट बैच 2022 को अब तक 252 प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। यह सभी टॉप कंपनियां हैं। यह जानकारी संस्थान के PRO सह फैकल्टी राजेंद्र प्रामाणिक ने दी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी थी कि पिछले साल इसी वक्त तक 96 ऑफर मिले थे, यानी कि इस बार प्लेसमेंट मिलने की संख्या में अब तक 162.50% की वृद्धि हुई है। संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर कृपाशंकर सिंह ने बताया कि 2020 में जहां 24 प्री प्लेसमेंट ऑफर मिले थे, वहीं इस बार अब तक 37 प्री प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। विद्युत मंत्रालय ने जारी किया आदेश, घर में स्मार्ट मीटर लगाने से मना करने वाले ग्राहकों की कटेगी बिजली। बिहार में विद्युत मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि अब स्मार्ट मीटर हर घर में लगेंगे, वहीं अगर कोई उपभोक्ता जो मीटर लगाने का विरोध करेंगे उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड में नियम है कि उपभोक्ता द्वारा यदि बिजली के काम में बाधा पहुंचाई जाए तो उनका बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी तरह आजाद है। बता दें कि बिजली कंपनी को नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी अपने अनुसार हर घर में स्मार्ट मीटर लगा सकती है, जहां भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस मामले में आदेश जारी किया है। इसमें 3 स्पष्ट आदेश है, जिसके तहत स्मार्ट मीटर हर घर में लगाना अनिवार्य किया गया है। उसके लिए बिजली कंपनी को किसी की सहमति की जरूरत नहीं होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, इसीलिए पैसा समाप्त होने पर अपने आप बिजली कट जाएगी। कस्टमर को इसके लिए बिजली कंपनी को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी। उपभोक्ताओं को इसके लिए स्वयं जागरूक होना होगा, मीटर का पैसा समाप्त नहीं हो। वहीं बिजली कंपनी को पुराने मीटर बदलने के लिए भी कस्टमर से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार में कोरोना के 12 नए संक्रमित मिले, अकेले पटना जिले में 6 नए केस आए सामने। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही बिहार में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बिहार में अब तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं मिला है। हालांकि विदेश से लौटने वाले 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी ओमिक्रॉन नहीं पाया गया है। ट्रेवल हिस्ट्री वाले पॉजिटिव लोगों के साथ अन्य लोगों के सैंपलों को भी जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया है। रिपोर्ट का इंतजार है। अनलॉक 10 की 15 दिसंबर को समाप्त हो रही है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के 12 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें अकेले पटना जिले से 6 नए केस हैं। पटना में मिले कोविड संक्रमितों में से एक स्कूली छात्रा भी है। शुक्रवार को आई पॉजिटिव रिपोर्ट में एक अन्य राज्य से आए व्यक्ति की है। इनके अलावा गया से 2, मुजफ्फरपुर से 1, नालंदा से 2 संक्रमित मिले हैं। इसके पहले गुरुवार को पटना से 14 समेत राज्य में 17 नए केस मिले थे। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, टीका लेने वालों को ही सरकारी दफ्तरों में प्रवेश, वैक्सीन लिए बगैर प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है तो आपको बिहार सरकार के दफ्तरों में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना वैक्सीन सरकारी दफ्तरों में घुसे और पकड़े गए तो कार्रवाई हो जाएगी। सरकार ने बिना वैक्सीन वालों के लिए सरकारी ऑफिस में एंट्री बैन कर दी है। तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोरोना के नए वेरियंट
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है जो 15 दिसंबर तक लगी रहेंगी। पटना जिले के डीएम ने सरकार के आदेश पर गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। वैक्सीन लेने वालों को ही प्राइवेट नौकरी करने की इजाज़त। सरकार के दिशा निर्देश के बाद पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है। इसमें वैक्सीन के बगैर सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। डीएम के निर्देश में कहा गया है कि निजी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में भी केवल कोविड टीका लगाने वाले लोगों को ही काम करने की इजाज़त होगी। 2446 दरोगा की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 268 सफल उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट से किया गया था बाहर। राज्य में 2446 दरोगा की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी भजंत्री ने ये आदेश दिए हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व बिहार राज्य सब ऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है। कोर्ट को बताया गया है कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रारंभिक व मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया है। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया है कि 1 अगस्त 2021 प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था। उसके बाद जो सूची जारी हुई उनमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ये सभी उम्मीदवार 75.8 के कट ऑफ मार्क्स लाकर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया तब इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं रखा गया। इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।